नगर निगम हेरिटेज द्वारा बड़ी चौपड़ स्थित जलेबी चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। जा रहे थे इस बहाने से हमारी दुकानें 60 साल पुरानी दुकानें उठा दी गई, हमें ना कोई सूचना मिली ना हमें कोई नोटिस दी, हमारी दुकानें उतार गए और हमारे को बेरोजगार कर दिया। हम हीरा कुमारी जी से निवेदन करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जगह हमें वापस दीजिए, हमारे रोजगार पे ध्यान दें और हमारे को बेरोजगार। कौन सी जगह आपकी है, कहाँ थी आपकी दुकान? हमारी दुकान जलेब चौक के अंदर सिटी पैलेस के जो पार्किंग है वहाँ पे थी हमारी दुकान। बेरोजगार नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, लेकिन मिलेगी दया करें हम पे कि हम दो दो परिवार पल रहे हैं, हम उनको लेके कहाँ जाएं, उन्हें हम क्या जेब दे दें या हमें आप खत्म ही कर दीजिए, जैसे हमारे को सारी दुकानें खत्म करी वैसे हमें भी खत्म कर। बस यही आपसे प्रार्थना। हमारी दुकान है जलेबी चौक के अंदर से 50-60 साल से पहले और हमारी दुकानों को उजाड़ दिया गया, तो हमारे बाल बच्चे सब भूखे मरने लगे हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे कोई भी मतलब रोजगार दिया जाए या कहीं जगह दी जाए जो खाने कमाने का हमारा साधन बने। धोखा हुआ दिव्या कुमारी जी ने हमारे साथ मतलब बहुत वो करा, दो दिन का टाइम दिया था कि दो दिन बाद वापस लगा लेना, लेकिन उन्होंने हमारे छड़िया हमारा सामान पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरा तोड़ दिया हमारा, बहुत तोड़ तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सर, इसने हमारी दुकान नहीं, नगर निगम ने जो है बहुत टुकड़े कर दिए हमारे सामान के और हमें जो है जगह दिलाई जाए और हमारे को वापस मतलब हमारे काउंटर रखने के लिए कुछ मुआवजा दिलाया जाए। दिनांक 24/1/2024 को हमको ये बोला गया था निगम के अधिकारियों द्वारा कि 2 दिन का प्रोग्राम है मोदी जी का और स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन करते हुए रोष प्रकट किया गया।